क्रिकेट का साल का सबसे बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। पूरे क्रिकेट जगत से साल 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए चार प्लेयर्स को आईसीसी ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनी बनाया है। ये चारों हैं भारत के सूर्य कुमार यादव, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के सैम करन और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा। दोस्तों छोटी सी वीडियो है, आपको जज बनके कॉमेंट बॉक्स में बताना है आपकी नजर में कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको अवार्ड मिलना चाहिए। हम आपके सामने 2022 में चारों प्लेयर की परफॉर्मेंस रखने जा रहे हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नंबर वन पर बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने 2022 में 31 T20 पारियां खेली जिसमें सबसे ज्यादा 1164 रन बनाए 187.43 के स्ट्राइक रेट के साथ। सबसे कमाल की बात यह रही कि इस दौरान उन्होंने 68 छक्के लगाए जो कि अब तक की T20 हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 187 का जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। 1164 जो उनके रन ये भी अभी तक सेकंड हाईएस्ट है। इससे ज्यादा बस मोहम्मद रिजवान ने 2021 में 29 पारियों में 1326 रन बनाए थे। मगर याद है मोहम्मद रिजवान पारी की शुरुआत करते हैं जबकि सूर्य कुमार यादव नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक खेले हैं और बाकी के तीनों प्लेयर जो नॉमिनी है वो काफी पहले से खेल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव 2021 से ही खेल रहे हैं। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव का करियर का स्ट्राइक रेट भी 180 है जो कि सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। सूर्य कुमार यादव ने पूरे साल अपनी छाप छोड़ी, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो। उन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रोक लगाए कि केन विलियमसन भी बोलने पर मजबूर हो गए। उन्होंने ऐसे स्ट्रोक्स अपनी लाइफ में कभी देखे ही नहीं थे पहले। और दोस्तों साथ ही कैलेंडर ईयर 2022 में सूर्य कुमार यादव ने 2 शतक भी लगाए हैं। बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की। रिजवान ने साल 2022 में 25 इनिंग्स में 122 के स्ट्राइक रेट से 996 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 88 नॉट आउट रन रहा है। उन्होंने कुल 22 छक्के लगाए। उनका रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के सामने थोड़ा हल्का लगता है। बात करें सैम करन की, तो सैम करन अभी अभी आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर भी बने हैं जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। सैम करन ने साल 2022 में खेले कुल 19 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 25 विकेट लिए और उनका बेस्ट प्रदर्शन 10 रन पर 5 विकेट अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में रहा। बल्ले से वो कुछ खास कारनामा नहीं कर सके और पूरे साल में केवल 67 रन ही बना सके। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और हमारे चौथे नंबर के प्लेयर सिकंदर रजा की। सिकंदर रजा ने साल 2022 में हर फॉर्मेट में कमाल कर दिखाया और वो पूरे साल छाए रहे। जिम्बाब्वे जैसे कमजोर टीम से आने के बावजूद सिकंदर रजा ने 2022 में खेले 23 T20 में जहां बल्ले से 150 के स्ट्राइक रेट के साथ में 735 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक लगाए, 38 छक्के लगाए और वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर रहे। तो वहीं गेंद से 23 मैचेस में उन्होंने 25 विकेट चटकाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रही कि उनकी इकोनॉमी केवल 6.13 की रही। और दोस्तों अगर आपने वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखे हो तो उनकी गेंदबाजी को हिट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इवन इंडिया ने जिस मैच में इतनी खतरनाक बल्लेबाजी की वहां पर भी सिकंदर रजा की बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। वह आईपीएल का सबसे बेस्ट पैकेज है जिन्हें केवल 50 लाख रुपए में खरीदा गया है और ऑलराउंड परफॉर्म यह करते हैं और शानदार फॉर्म में भी है, जबकि कई प्लेयर ऐसे जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको 5 से 6 करोड़ रुपए में खरीदा गया। दोस्तों हमारी नजर में सूर्य कुमार यादव और सिकंदर रजा में से किसी एक को यह अवार्ड मिलेगा। आपकी नजर में कौन है विनर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और आपको रियल फैक्ट्स और स्टैट्स और एनालिसिस के साथ में यदि वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।